डीएम दफ्तर में प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं के संगठन ने कचहरी के बाहर पुतला फूंककर आक्रोश जाहिर किया। कचहरी के बाहर चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि विश्व के कई देश ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं, ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव ईवीएम से कराना सही नहीं, इसी को लेकर के वे प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। पुतला फूंकते अधिवक्ताओं ने कहा कि वे लोग ईवीएम से लोकसभा चुनाव नहीं होने देंगे। कानपुर के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के अधिवक्तागण, सुप्रीम कोर्ट में जो अधिवक्तागण ईवीएम मशीन को लेकर आंदोलनरत हैं, उनके समर्थन में कानपुर के सैकड़ों अधिवक्ता उनके साथ हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं, चुनाव आयोग को भी चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर 2024 में लोकसभा का चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं होने देंगे, क्योंकि ईवीएम मशीन धोखेबाज है। सरकार और चुनाव आयोग पूरी तरीके इसमें संलिप्त है। विश्व के तमाम संस्थाएं जिन्होंने ईवीएम का एजाज किया, उन्होंने भी आरोप लगाया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ईवीएम से चुनाव कराया जाना घोटालेबाजी है, उसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब लोग, हम आम मतदाता है, यहाँ के 99% आम मतदाता को ये जानकारी ही नहीं है ईवीएम मशीन के टेक्नोलॉजी के बारे में। हम लोग मांग करते हैं कि जैसे वोट बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होता था, उसी तरीके से भारत सरकार को चुनाव